नामकरण में अवनी करती है प्लान कि वो नील का करेंगी इस्तेमाल अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और वो दयावंती की सच्चाई लाएंगी सबके सामने। सीरियल नामकरण में 15 साल का लीप आ गया है और शो में अब अवनी बड़ी हो चुकी है। दयावंती मेहता सोचती है कि उसने अवनी को 15 साल पहले मार दिया था, लेकिन अवनी जिंदा है और वो 15 सालों से इंतजार कर रही थी दयावंती से अपना बदला पूरा करने का। अवनी दयावंती मेहता की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है और वो उससे अपना भाई अमान वापस चाहती है। लीप में जाने से पहले अवनी ने पूरी कोशिश की थी कि उसका भाई अमान उसके साथ ही हो, लेकिन दयावंती ने चाल चलकर अमान को अवनी से छीन लिया था। अवनी आज तक नहीं भूल सकी है कि दयावंती ने उसके साथ और उसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया था। उसने अवनी से उसका बचपन, उसका परिवार, उसकी माँ, उसके भाई, उसका दोस्त सब कुछ छीन लिया था और अब अवनी उन सबका बदला लेना चाहती है। अवनी ने अब दयावंती मेहता के खिलाफ अपना मिशन शुरू कर दिया है और वो बदला लेने के लिए तैयार है। ये नील उसके रास्ते में आ रहा है, इसीलिए वो प्लान करती है कि वो अब से नील को ही इस्तेमाल करेगी अपने मिशन में कामयाब होने के लिए। वो नील को फंसाकर उसे यूज करेगी दयावंती मेहता के खिलाफ। अब देखते हैं कि दयावंती मेहता के खिलाफ इस जंग में अवनी को कब कामयाबी मिलती है। मेरे शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल नामकरण में अवनी करती है प्लान कि वो नील का करेंगी इस्तेमाल अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और वो दयावंती की सच्चाई लाएंगी सबके सामने। सीरियल नामकरण में 15 साल का लीप आ गया है और शो में अब अवनी बड़ी हो चुकी है। दयावंती मेहता सोचती है कि उसने अवनी को 15 साल पहले मार दिया था, लेकिन अवनी जिंदा है और वो 15 सालों से इंतजार कर रही थी दयावंती से अपना बदला पूरा करने का। अवनी दयावंती मेहता की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है और वो उससे अपना भाई अमान वापस चाहती है। लीप में जाने से पहले अवनी ने पूरी कोशिश की थी कि उसका भाई अमान उसके साथ ही हो, लेकिन दयावंती ने चाल चलकर अमान को अवनी से छीन लिया था। अवनी आज तक नहीं भूल सकी है कि दयावंती ने उसके साथ और उसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया था। उसने अवनी से उसका बचपन, उसका परिवार, उसकी माँ, उसके भाई, उसका दोस्त सब कुछ छीन लिया था और अब अवनी उन सबका बदला लेना चाहती है। अवनी ने अब दयावंती मेहता के खिलाफ अपना मिशन शुरू कर दिया है और वो बदला लेने के लिए तैयार है। ये नील उसके रास्ते में आ रहा है, इसीलिए वो प्लान करती है कि वो अब से नील को ही इस्तेमाल करेगी अपने मिशन में कामयाब होने के लिए। वो नील को फंसाकर उसे यूज करेगी दयावंती मेहता के खिलाफ। अब देखते हैं कि दयावंती मेहता के खिलाफ इस जंग में अवनी को कब कामयाबी मिलती है। मेरे शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।